आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया पदभार ग्रहण, कहा शासन के विकास कार्यक्रमों में शामिल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पालन कराना ही होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। शाहपुर थाना क्षेत्र में 9 अप्रैल को हुई हत्या में शामिल दो शातिर शूटरों को शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया घटना का सनसनीखेज खुलासा, भेजा जेल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नगर निगम में किया गया पौधरोपण। महापौर ने कहा हर नागरिक को अपने जीवन में लगाना चाहिए एक वृक्ष, मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना। जनपद में 150 एकड़ में वन विभाग बनाएगा ऑक्सीजन पार्क, शहरवासियों को मिलेगी शुद्ध हवा। डीएफओ ने बताया कोर्ट से वन विभाग के पक्ष में फैसला आने के बाद लिया गया फैसला। तबादले के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसबीआई के डीजीएम पीसी बड़ोद ने कहा 3 वर्षों में एसबीआई की आमदनी हुई 3 गुना वृद्धि, जनता का एसबीआई पर रहा पूरा भरोसा, नई तकनीक से ग्राहकों को बैंक से जोड़ने का किया प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर भाजपाइयों ने बांटा मास्क और सैनिटाइजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना। बेहतर बिजली मुहैया कराने के लिए तेजी से चल रहा है भूमिगत बिजली व्यवस्था का कार्य, मुख्य अभियंता विद्युत ने बताया। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक दी जा रही अंडरग्राउंड सप्लाई, विद्युत चोरी से बचाव के साथ लोकल फॉल्ट से मिलेगी निजात। विश्व पर्यावरण दिवस व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में आयोजित किया गया पौधरोपण कार्यक्रम, परिसर में 101 पौधों को लगाकर दिया गया पर्यावरण का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुलपति ने किया पौधरोपण, कहा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूर करें पौधरोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने पुलिस लाइन में किया पौधरोपण, लोगों से की अपील, कहा शुद्ध पर्यावरण के लिए अवश्य लगाएं एक वृक्ष। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय पर निवर्तमान डीजीएम सहित बैंक के कर्मचारियों ने किया पौधरोपण, कहा एसबीआई पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगाता है 5,000 वृक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनकल्याणकारी परिषद द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की गई कामना। गोरखपुर में शनिवार को मिले 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,975। अब तक 758 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 798 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने जीरो वेस्ट कैंपस प्रोग्राम के तहत वेस्ट कंपोस्ट मशीन तथा ऑर्गेनिक कंपोस्ट पैकेट का किया उद्घाटन, कहा विश्वविद्यालय के कूड़े से कंपोस्ट मशीन द्वारा बनाए गए जैविक खाद से परिसर बनेगा साफ सुथरा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया पौधरोपण, मुख्य अभियंता विद्युत ने कहा शुद्ध वातावरण के लिए पौधरोपण है जरूरी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया पौधरोपण, दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। खजनी थाने की पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चार सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एडीएम सिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है नाला सफाई अभियान का महापौर नगर आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण, महापौर ने जनता से की अपील, कहा प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन का ना करें उपयोग, शहर को बनाए स्वच्छ और सुंदर।
शनिवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 68 बूथों पर 10,125 लोगों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, वैक्सीन की नहीं है कमी, अवश्य कराएं टीकाकरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर स्काउट एवं गाइड वॉलंटियर्स द्वारा किया गया पौधरोपण, पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल का वॉलंटियर्स ने लिया संकल्प। और महानगर में शनिवार को भी कोरोना आंशिक कर्फ्यू का देखने को मिला आंशिक असर। 41 स्थानों पर बैरिकेड लगाकर दिन रात पुलिस करा रही है कर्फ्यू का पालन। एसपी सिटी ने कहा, बढ़ते सावधानी, रहें कोरोना से सुरक्षित।